अब जब बात नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के बीच का है तो फिर उस समय माझी जी क्यों परेशान हो रहे हैं, और वो तो साथ थे तब तो उनको सलाह भी देते। लेकिन ये सलाह ये सोच उनकी तो जब अमित शाह से टाइम मिल गया है तब उनको समझ में आ रही है। ये बात महागठबंधन में थे तब तो तेजस्वी जी को नहीं समझाते थे, इसी से आप इसका महत्व तो समझ सकते हैं। ये संविधान में यह बात नहीं है। संविधान कहता है कि विभिन्न धर्म के लोगों को अपनी सामाजिक रीतियों और प्रथाओं के अनुसरण करने की आजादी होगी। तब 4 साल पहले विधि आयोग ने भी लॉ कमीशन ने भी रिपोर्ट दे दिया है कि न इसकी आवश्यकता है और न ये मैंने वांछनीय है, नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। जब फिर 4 साल के बाद बिना किसी कारण के इस बात के लिए पूरे देश में फिर से राय मांगने की क्या आवश्यकता है, इसका तो मतलब सिर्फ राजनीतिक हो सकता है। कि आज जब सभी मजहब के लोग अपने अपने सामाजिक परंपराओं रीतियों का सहजता और सफलता से अनुसरण और मतलब उसके हिसाब से अपना काम चला रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है न किसी को कोई परेशानी है, तब जानबूझ के इस तरह के मामलों को उठाकर ये सांप्रदायिक विवाद और तनाव पैदा करने की कोशिश, ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने की बात हो सकती है या किसी को क्या लाभ मिलेगा ये तो कोई बता दे। और जब अगर किसी को लाभ नहीं मिलना है तो अकारण ये तनाव और विवाद पैदा करने का क्या उचित है, ये देश की जनता देख रही है समझ रही है। क्योंकि अगर इनकी नीयत साफ होती तो सबसे पहले बड़े पैमाने पर हर धर्म या हर तरह की परंपरा निभाने वालों से बैठ के विमर्श करते, रायशुमारी करते, एक मत बनाने की कोशिश करते। अगर सभी एक चीज पर सहमत हो जाते तो फिर किसी को एतराज नहीं होता। लेकिन आज जब जान रहे हैं जो सब लोगों को सभी बात एक तरह की बात मंजूर नहीं होती है, तब जानबूझ करके ये उचित नहीं है। और भाजपा जिस साजिश के तहत इस बात को करने का प्रयास कर रही है, ये दाव इस बार भी इनका उल्टा पड़े। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।